हो डियर स्टूडेंट, यहाँ कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में आपका सभी का स्वागत है। और मेडिसिन की मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, पहला सब्जेक्ट मेडिसिन का स्टार्ट है। इसमें क्या है कि इसमें तीन तरह की बीमारियाँ होती हैं, वायरल डिजीज होती हैं जो विषाणु से होती हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज है, नंबर दो बैक्टीरियल डिजीज जो कीटाणु से होती है, और तीसरा है प्रोटोजोन डिजीज। तो आज हम सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसमें मुख्य बीमारी है गलघोंटू की बीमारी, उसको हेमरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं गलघोंटू। ये गलघोंटू नाम से ही प्रतीत हो है कि गल घुट जाता है, कि गले में सोजस आ जाती है इसके पशुओं को। ये ज़्यादातर गायें और भैंसों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, और इसमें मेन ये होता है कि नाम से प्रतीत होता है गल घुटू, गल सांस लेने में पशु को दिक्कत हो जाती है, गले के नीचे सोजन आ जाता है, पशु घर घर करने लग जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये इसी नाम से इसको गलघोंटू की बीमारी कहते हैं। इसके नाम अलग अलग नाम हैं, इसको HS भी बोलते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, और इसको HS डका, गल रुकना, घुर्रा, गल फुला, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया आदि नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला मल्टोसीडा, पास्चुरेला मल्टोसीडा, मल्टोसीडा ये बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी पशु में आती है, और किस एज के पशुओं में ज़्यादा होती है बीमारी, ये जो हेल्दी एनिमल है जैसे काफ वगैरह होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। जैसे 6 महीने से ऊपर का जो काफ होता है, हेल्दी काफ होगा उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, और हेल्दी एनिमल कोई भी हो उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। उसमें डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसमें 50% डेथ रेट है, 50% एनिमल की डेथ हो जाती है बीमारी होने के बाद। और ये बीमारी होती कैसे है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी होती है। जब पशु स्ट्रेस कंडीशन में होता है उस टाइम ये बीमारी पशु को होती है, गले में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर बीमारी शुरू हो जाती है। इसके मल्टीप्लाई करते हैं पशु का, जैसे ज़्यादा बारिश होती है, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी जिस मौसम में आती है उस टाइम ये बीमारी हो जाती है। पशु को किसी तरह का बीमार होता है, स्ट्रेस आ जाता है पशु को, इम्यून पावर इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये गलघोंटू की बीमारी पशु को हो जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण इसके सिम्टम क्या हैं, इसके लक्षण इसमें पशु को बुखार हो जाता है, बुखार हो जाएगा पशु को, उसको यदि बुखार हो जाएगा तो पशु चारा खाना बंद कर देगा, और उसके गले में सोजस आ जाएगी, दूध देना बंद हो जाएगा, उसको दस्त भी लग जाते हैं। ये तीन फॉर्म में होती है, वैसे तो ये एंटेरिक फॉर्म बोलते हैं, उसमें दस्त लग जाते हैं, निमोनिक फॉर्म होती है उसमें निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं, और तीसरा गले में सोजस आ जाती है। तो इसमें टम्परेचर हो जाता है पशु को, टम्परेचर लगभग 104 से बुखार हो जाएगा पशु को, टम्परेचर 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट, पशु को टम्परेचर हो जाता है इसमें, और पशु खाना चारा बिल्कुल बंद कर देता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिल्कुल पशु सुस्त हो जाता है, और पशु मरते बहुत हैं इस बीमारी में, 50% डेथ रेट, 50 से 100% भी मर जाते हैं पशु। और काफ जो होते हैं, काफ या हेल्दी एनिमल में उसमें ज़्यादा डेथ होती है पशुओं की, और वो पशु मर जाते हैं।
इसके गले में जब एक लास्ट स्टेज में ऐसा था कि गले में सोजस आ जाता है, सोजस आने में उसको सांस लेने में पशु को बड़ी कठिनाई होती है, सांस नहीं ले पाता पशु, और सांस नहीं आने से उसको डेथ हो जाती है और वो पशु अल्टीमेटली मर जाता है। तो इसके इलाज, इसका इलाज के क्या तरीके हैं, इसके क्या, कैसे हम उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इलाज क्या है इसका, इस बीमारी के इसमें सल्फा ड्रग दी जाती है और पुराने टाइम से सल्फा ड्रग काफी बेनिफिशियल है, सल्फा डिमिडिन देते हैं इसमें। पहला है ट्रीटमेंट इसका, इंजेक्शन सल्फा डिमिडिन, और दूसरा इसको स्वेलिंग, गले में स्वेलिंग हो जाती है तो इंजेक्शन एविल भी देते हैं इसमें साथ में 10 ml 20 ml इंट्रामस्कुलर। और इसमें बुखार होता है पशु को तो इसमें इंजेक्शन बी कम्प्लेक्स भी देते हैं, इंजेक्शन बेला भी 10 ml इंट्रामस्कुलर। और आजकल दूसरी मेडिसिन कम एरिया वाइज होता है ये, जैसे जहाँ एक एरिया में हो सकता है कि सल्फा डिमिडिन से पशु ठीक हो जाए, दूसरी जगह दूसरे एंटीबायोटिक लगाते हैं, जैसे सेप्टिक जोन भी कुछ एरिया में एंड्रोफ्लोक्सासिन बायरेसिन भी यूज करते हैं, कुछ एरिया में बायरेसिन लगाते हैं उसको, उसको एक 30 ml की वायल आती है और वो इंट्रामस्कुलर उसका लगा देते हैं और उससे वहाँ कंट्रोल भी हो जाती है। कुछ एरिया में क्या है कि सेप्टिक जोन में इंजेक्शन यूज करते हैं, इंजेक्शन सेप्टिक जोन, तो इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से पशु ठीक होते हैं। कुछ एरिया में एंड्रोफ्लोक्सासिन से ठीक हो जाते हैं, कुछ एरिया में सल्फा ड्रग से ठीक हो जाते हैं, साथ में सल्फा ड्रग इसमें ज़रूरी होता है। कुछ सेप्टिक जोन प्लस सालबैक्टम प्लस टेजोबैक्टम वगैरह कम्बिनेशन आता है उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, तो जैसे कुछ एरिया में दूसरा ट्रीटमेंट है इसका और हम यूज कर सकते हैं इसको इंजेक्शन सेप्टिक जोन। प्लस टेजोबैक्टम या सालबैक्टम, टेजोबैक्टम भी आता है इसके साथ में, इसमें 4.5 ग्राम का इंजेक्शन है ये, और इसको इसका रूट इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं इसको। ये दूसरी एंटीबायोटिक, ये सेप्टिक जोन प्लस टेजोबैक्टम है। तीसरा एंड्रोफ्लोक्सासिन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ एरिया में एंड्रोफ्लोक्सासिन से भी अच्छे एनिमल ठीक हो जाते हैं। और दूसरी एंटीबायोटिक जैसे हम टेरामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से भी ठीक हो जाते हैं कुछ एरिया में, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं हम, और उसको सुबह शाम उसकी डोज देनी पड़ती है और उससे पशु ठीक हो जाता है। कुछ इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाता है, जब लास्ट स्टेज में होता है तो उस कंडीशन में पशु का ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है, और उस कंडीशन में तो पशु को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी वैक्सीन भी आती है, वैक्सीन भी हम लगाते हैं, जैसे आजकल, पहले तो इसकी अलग वैक्सीन आती थी HS वैक्सीन। इसके बचाव के क्या तरीके हैं, जैसे बीमारी आ चुकी है तो उसके बचाव के, बीमारी जो पशु स्वस्थ पशु है उसको बिल्कुल अलग रखें और जो बीमार पशु है उसको बिल्कुल उसके नज़दीक में आने दें, उसको बिल्कुल अलग बाड़े में रखें या अलग जगह उसको रखें और उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से करें। जो पशु जिसमें बीमारी नहीं आई हुई है उनको वैक्सीनेशन से उसका बचाव हो सकता है,
और वैक्सीनेशन ये साल में दो बार लगाते हैं, पहले HS की अलग वैक्सीन आती थी, FMD की अलग लगाते थे, अब भी कई स्टेटों में हो सकता है कि अलग FMD और HS अलग अलग लगते हो, लेकिन अपने हरियाणा में यहाँ पर HS और FMD की जो वैक्सीन आती है वो कंबाइन वैक्सीन आती है, और उसमें वैक्सीन का बचाव के लिए इसमें वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन। इसमें HS और FMD की वैक्सीन आती है, HS और FMD की कॉम्बिनेशन आता है इसका, HS प्लस FMD इसका कॉम्बिनेशन आता है। ये साल में 3 ml इंटरमस्कुलर लगती है HS प्लस FMD, और इसमें 3 महीने की उम्र, 3 महीने के 4 महीने की एज के बाद एज में लगाते हैं, पहले हम और बूस्टर डोज दी जाती है इसको 1 महीने के बाद, जैसे जिसको 4 महीने की एज में हमने इंजेक्शन वैक्सीन दे दी उसको फिर बूस्टर डोज 1 या 1.5 महीने के बाद लगाते हैं, और फिर उसको 6 महीने के बाद रिपीट करते हैं। तो साल में 2 बार लगती है ये वैक्सीन, और ये बरसात आने से पहले इसकी वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे उसके पशु को इम्यूनिटी आ जाती है और पशु को बारिश के मौसम में या गलघोंटू की बीमारी से उससे बचाव हो जाता है, साथ में मुंह खुर की बीमारी का भी इसमें बचाव हो जाता है। घर घर जाके हरियाणा में और पशुपालन विभाग ये वैक्सीन घर घर लगा के पशुओं को लगाते हैं, और इससे पशु की बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो ये वैक्सीन हमें पशुओं को लगवानी चाहिए, बचाव का यही तरीका है। यदि बीमार, यदि पशु इससे ग्रसित हो जाते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते, तो उसमें पशु की डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है, और एंटीबायोटिक भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिससे पशु को कई बार तो बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और इससे में पशु की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आज का ये अपना मेडिसिन का टॉपिक, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोंटू की बीमारी का ये टॉपिक अपना आज की बीमारी का ख़त्म होता है। कल दूसरी बीमारी एंथ्रेक्स स्टार्ट करेंगे, तो कल आगे स्टार्ट करते हैं फिर।